जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आज ही अच्छी तरह जानते हैं हम उस औरत से बहुत नफरत करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों जानबूझ के हमें यहाँ पे ले आइए। तुम दोनों क्या आजी तुम्हें यहाँ लेकर आए? और नहीं तो क्या, हमें शौक पड़ा था उस औरत की शक्ल देखने का और यहाँ आने का। तेजू चल ना यहाँ से, कहीं वो औरत आ गई थी उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को अपनी आई से मिलना चाहिए। आओ मेरे से। हमें नहीं मिलना। क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना हमें नहीं मिलने। अब छोड़िए। आप इन्हें बताना चाहती हैं कि इनकी आई कौन है? लेकिन हमें नहीं जानना, मैंने आपसे पहले भी कहा है। अर्चना, इन दोनों को तू यहाँ तक लेके आई, इन्हें नहीं दिखाओगे इनकी आई कौन है? बताऊंगी आई, जरूर बताऊंगी। अरे तेजू और ओवी, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी आई से नहीं मिलना चाहोगी? यही है तुम्हारी आई? तुम्हारे बाबा की पत्नी और मेरी बहू, यही है वो औरत जो तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती थी। आई ने सच कहा, मैं तुम दोनों की आई हूं। बस आगे मत आइएगा, इससे आगे आने का हक अब आप खो चुकी हैं। आपको कोई हक नहीं बनता है। मतलब 3 महीने मैं आपके साथ आपके घर में रही, एक छत के नीचे, आपने मुझे कभी ये नहीं बताया कि आप मेरी आई हैं। तेजू, मैं आपको पता, 18 साल बाद जब कोई आई अपनी बेटी से मिलती है ना, उसे गले लगा के प्यार करती है। तेज में। नहीं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप तो अपने ढोंग करने में बिजी थी ना, नाटक वो सब। तुम अपने 3 महीने मुझे घर में रख के इतना नाटक इतना ढोंग इसलिए किया ताकि जब मुझे ये पता चले कि आप मेरी आई है तो मैं ये सोचूं, वाह मेरी आई कितनी महान औरत है। मैं हमेशा ये सोचूं मेरी आई तो बहुत अच्छी है। ये सब कुछ नाटक था, ढोंग था। इतनी सेल्फिश है, अपने इंटरेस्ट के लिए 3 महीने आपने मुझे घर में रखा और मुझे ये नहीं बताया कि आप मेरी आई है। पापा, गेस व्हाट, ये हैं अर्चना आंटी जिनके साथ मैं रहती हूँ। मैंने मिलवाया था ना आपको बाबा से उस टाइम पर नाटक। हाँ नमस्ते, हम तो जानते नहीं एक दूसरे को, ऑफिस में काम करते। गॉड, इतना नाटक। इतनी मैनिपुलेटिव है, इतनी सेल्फिश है, आई बिल्कुल सही कहती है। आपने आज आजी की बात प्रूव कर दी है। तेजू, मेरी बात नहीं। तेजू, आपको पता है 18 साल हमने बिना आई के गुजारे। 18 साल आजी और बाबा हमारे साथ हुआ करते थे। जरूरत पड़ने पे बाबा ने कोशिश की, वो हमारी आई बन जाते थे। हमसे कहते थे हर प्रॉब्लम शेयर करो,
लेकिन हम हर बात तो शेयर नहीं कर सकते थे ना। आपको पता है स्कूल में जब लड़कियां अपनी मॉम के बारे में बात करती थी ना, मेरे और ओवी के पास कुछ नहीं होता था बोलने के लिए, क्योंकि मॉम वर्ड हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना। इसलिए मैं तो फिर भी अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेती थी, लेकिन ओवी तो सोच सोच के इतनी ज्यादा दुखी होती थी कि हमारी लाइफ में आई क्यों नहीं है, माँ क्यों नहीं है। हम दोनों तो शायद इतने अनलकी हैं कि खुल के रो भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते किसी को। हम आजी और बाबा के सामने कभी नहीं रोए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो परेशान हो या दुखी हो हमारा दुख देख के, कि हम अपनी मॉम को इतना मिस कर रहे। मिस्ड यू अ लॉट एंड वी विल मिस यू। तेजू बस कर, किसे बता रही तू ये सारी बातें इधर? अरे 18 साल में इनमें कोई चेंज नहीं है तो अब क्या आएगा? आई एम श्योर कि तूने जो इतनी सारी बातें करी है ना, उसका भी इन पे कोई असर नहीं हुआ होगा। कैसी आई है आप? अपनी बेटियों की इन 18 साल में एक बार भी आपको याद नहीं आई? कोई चिंता नहीं है? ऐसा नहीं। डोंट यू डेयर। खबरदार जो आप मेरे पास आई, तेजू ने जो कहा ना वो बिल्कुल ठीक कहा। आप हमारे लिए कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं अब हमें आपसे। पता है कितने सारे ऐसे सवाल होते जिनका जवाब सिर्फ एक आई दे सकती है। वो सवाल तो हमारे पास बहुत होते थे, पर जवाब देने के लिए हमारे पास आई नहीं थी। तब जानती हैं आप किसने हमारा साथ दिया? हाजी ने। हाजी ने हमेशा हमारा साथ दिया, हर प्रॉब्लम्स में हमारे साथ रही। पर उस वक्त आप कहाँ थी? यहाँ बहुत खुश थी ना आप यहाँ, तब तो आपको हमारी याद नहीं आई। पता है मैंने हमेशा से सुना था कि एक आई होती है ना, उन्हें अपने बच्चों से सिवाय प्यार के और कुछ नहीं चाहिए होता है। But you know what? आपने प्रूव कर दिया कि वो सारी बातें झूठ होती हैं। आप इतनी ज़्यादा सेल्फिश हैं। I'm sure कि आपने हमें ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई कि इसमें भी आपका कोई फायदा होगा। और अगर नहीं तो फिर बताइए ना, क्यों बात हमसे छुपा के रखी कि आप ही हमारी आई है? बताइए। जब मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के मन में बहुत सारे सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि शायद मैं तुम्हें वो जवाब ना दे पाऊं। लेकिन अरे तू क्या बताएगी इनके सवालों का जवाब? तेरे पास इनके एक भी सवालों का जवाब है? एक नंबर की ढोंगी औरत है तू। तेजू और ओवी ये तुमको गुमराह करके तुम्हारे करीब आ गई ताकि तुम्हारी ढाल बनाकर ये मानव से एली मनी हड़प सके। क्या कह रही? तुमसे झूठा प्यार जताकर तुमसे जुड़ना चाहती है ताकि जज्बातों का सौदा करे ये मानव के साथ। ये इसकी चाल है, चाल। एक सेकंड आई ए, तू ज्यादा सफाई मत दे। तू इतनी दूध की धुली हुई है ना, तो मुझे बता मानव के सामने तूने क्या क्या शर्तें रखी? जब तूने डाइवोर्स पेपर साइन किए तभी क्या क्या लिखा था, क्या क्या मांगा था? गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी और हर महीने बड़ी अमाउंट का एक अलग सा चेक। तू अभी तक पैसों के पीछे ऐसी पागल है क्या? हैं? कमाल की औरत है तू। 18 साल बाद अपने पति से मिली तो उससे मांगा क्या, सिर्फ पैसे? अपनी बेटियों को नहीं मांगी? एक सेकंड आई, आप जानती हैं अच्छी तरीके से कि मैंने अपनी बेटी को क्यों नहीं मांगा? हाँ हाँ जानती हूँ ना, तुझे अपनी बेटियों से एली मनी में ज्यादा इंटरेस्ट है। भाई प्लीज चुप।
आई मत बोल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।